वेरी गुड वेरी गुड। कुछ छानी हो गिर बगल तो ये फैंटेस्टिक फोर मूवी है ना। हाँ, उसमें वो पत्थर वाला आदमी। हाँ, वो ये वही था। हेलो, हम आज वमन बताने वाले हैं। वासंतिक वमन जिसको कहते हैं, वसंत ऋतु में बहुत कफ बढ़ता है और कफ दूर करने के लिए आयुर्वेद में वमन चिकित्सा है। ये डिटॉक्स है और पूरे शरीर का जो कफ है दूर करता है। पित्त भी इसमें कम हो जाता है, सारे कफ पित्त की जो बीमारियां हैं वो कम हो जाता है। एजिंग स्टॉप करने के लिए जो रसायन चिकित्सा की जाती है, वो रसायन चिकित्सा में भी इसको पहले वमन किया जाता है। तो रात भर हम काढ़ा रखते हैं इतने पातले में, और काढ़ा करने के बाद पेशेंट को 7 दिन घी पिलाया जाता है वर्धमान मात्रा में। और सम्यक स्नेह लक्षण यानी कि पूरे शरीर में घी का लिंपन होने के बाद उसको सारे दोष उल्टी से बाहर निकाले जाते हैं। उसको कुछ काढ़ा पिलाया जाता है और वो उल्टी की औषधि दी जाती है, वो बाहर सब आ जाता है। इसमें पेशेंट को कोई हानि नहीं होती, पेशेंट बहुत अच्छी तरह से पूरा सस्टेन करता है। और आप आज देखेंगे कि वुमन कितना अच्छे तरह से हम कर पाते हैं। धन्यवाद। दूध डाला का थंड दूध एंड फांटे ना, थोड़ा गर्म है ये। जस्ट मधु का काढ़ा, ये दूध। नहीं, गिलास दे, मांगना चाहते हैं तो हाथ में गिलास इधर दे दो। और दूसरा गिलास कहाँ है? गिलास एक्चुअली बेसिक जो हम वमन कर रहे हैं ना, ये गिलास ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, ये मदन फल का फांट है। हमने रात भर मदन फल रखा है और उसका फांट, इसका अभी चौथा वमन है। चौथा है ना? हाँ, चौथा तो चमो इसको सब पता है। अब ये फांट रात भर रखा है, वो काढ़ा जो है हमने जस्ट मध का नींबू का काढ़ा जो है रात भर रखा है। काढ़ा कभी भी रात भर रखना, दिन भर नहीं रखना या सुबह सुबह नहीं करना। रात भर रखोगे तो ज़्यादा फायदा होता है। ये मेन द्रव्य है, ये पिलाने के बाद वमन शुरू होगा और वो कष्टदायक ना हो इसलिए हम काढ़ा देते हैं। और कफोत्क्लेश कल करवा लिया, काल का खा ले, कल दही भात परत छान छान खा ले। छान छान जे खायचं नव्हतं तो कभी भी वमन का काढ़ा देते समय कंसेंट तो ली है हमने, बराबर घेतली है ना? त्याची ते था सगळी संपत्ती माझी। तो हम कंसेंट लेते हैं कि जो भी वमन की चिकित्सा हमें बता दी गई है, इसमें कफ और पित्त कैसे बाहर निकलता है उसके प्रोसीजर हमें बताई गई है, इसके हस्ताक्षर में लिखना है। अगर साथ में कोई आता है उसकी भी साइन रखना है, वो इम्पोर्टेंट रहता है हमारे, क्योंकि पंचकर्मा के प्रोसीजर। दूसरा, ये हाथ में देना है। और वमन के शुरुआत के लिए स्वस्ति वचन है हमारा, मंत्र है वमन का, के ताकि वमन अच्छा हो जाए। और जो भी दुष्ट लगाते हैं वमन को या औषधि है, उनका गुण बढ़े और वमन अच्छी तरह से हो, इसलिए मंत्र बताया जाते हैं। तो बोलो, ओम ब्रह्मा दक्षासि रुद्रे इंद्र भूचंद्रा अर्का नीला सुष्टि ग्रामा भूत संगाश पांतु ते सनान वशि नाम प्रणाम सदेव नाम नाम ओम नमो भगवते वैशिष्ट्य गुरुवे वैडूर्य प्रभाराजाय तथागताय व्याहते सम्यक संबुद्धाय ओम वैशिष्ट्य वैशिष्ट्य महावैशिष्ट्य संबंधते साहा। चल, हाँ पूर्ण की। वमन द्रव्य ना व्यवाही विकसित होने के कारण एक 1.5 मिनट में काम शुरू करता है, लेकिन तुरंत नहीं देना है दूध, बाद में देना है। सुख वमन करना है, दुख नहीं। अगर हम चाटन देते हैं, चाटन आमाशय में रुक जाता है और वो शाम तक वमन होता है कुछ कुछ पेशेंट का, क्योंकि मदन फल के पार्टिकल्स वहाँ रुक जाते हैं स्टमक में। हमें क्या करना है, पार्टिकल नहीं फांट बनाएंगे तो क्या होगा, वो इजीली होगा, लघु रहेगा, जल्दी काम करेगा, जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो हमें जब वमन रुकाना है तब फांट का वमन अच्छा रहता है। फांट ना
प्रेम झालेत थोडस उडल म्हणून उडत काय तिच्यात अंगावर तर तुझं उडलं नाही ना कधी आता पण त्याच्या हातातला ग्लास घ्यायचा आनंदी झालं तिथे धरायचं शंख प्रदेश त्वचेवरचे चेंजेस बघायचे त्वचा पे जो जो चेंजेस आ रहे हैं लगेच आणा पण नहीं नहीं वमन करते समय ना दोष भी निकल गए ना तो यहाँ पे कभी कभी दोष निकलते समय थोड़ा ऊपर आता है फर्म बीच बीच में नीचे जाता है अगर कोई सो रहे से तो पूरे दोष निकालने होंगे इसका फोटो अगर देखा 3 साल पहले का बस ते फैंटास्टिक फोर मूवी है ना हाँ उसमें वो पत्थर वाला आदमी हाँ वो ये वही था चल दूध के फटाफट 4 ग्लास दे अखंड पान माझ्या शब्दांकडे ऐकायचं बाकी दुसरीकडे काय बघायचं चल हां घे लागण्याचा पटकन दुसरा व्हेरी गुड दूध गरम येणार व्हेरी गुड जेष्ठ मत गाडा रे व्हेरी गुड व्हेरी गुड वुमन छान टस्कर नको मार हळू घे जाऊ दे 2 ग्लास दूध जाऊ दे मग काढा सुरू कर तूप छान घेतलंस तूप छान घेतलं म्हणजे बीपी किती होता मोजला होता व्हेरी गुड घे आता याच्यानंतर काढा घे हो हा घे व्हेरी गुड वेग किती छान आहे बघा दादा चिकट 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 कफ येतो आता डायरेक्ट काढायचं हे त्रास होत घशाला चव कशी कशी आहे ते सांगत ज्येष्ठ मंत्री काढे सुरू करा आता व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड
डबडबाला सुरुवात झाली ना रे लगेच. पित्त पण येते हळू. दोन ग्लास घे कशाला. तो म्हणजे काढायचीच चव. बसनला साथ झाली सकाळी. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. दोन ग्लास जाऊ दे म्हणजे बाहेर येईल व्यवस्थित. भरून दे ग्लास. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. किती छान योगेत बघा देतो. जसा ग्लास गेला तसं बाहेर येतो. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. दोन दे. दोन जाऊ दे. बढिया. व्हेरी गुड. जाऊ दे ग्लास. येईल बाहेर. व्हेरी गुड. पित्ताची सुरुवात होती ना. आता चिकट चिकट आहे इथं. घे असं घ्यायचं असत. चार वर्षाची शुद्धी आहे त्याची एकदम. आता पित्त सुरू झालं बरं काय. म्हणजे या वर्षी याला खूप कमी खाल्लाय वेगवेगळे पदार्थ. कमी खाल्लं म्हटलं ना. खाल्ला म्हणजे व्यवस्थित जेवण केलंय. असं अपत्य केलं नाही या वर्षी.
मैंने मतलब पिझ्झा बर्गर काहीतरी खाल्लं वाटत नाही नाही होत ना वर्ष भरात नाही ज्या दिवशी खायचे त्या दिवशी पण एवढं नाही खाणं झालं काल ना दे दोन ग्लास दोन जाऊ दे एवढे छान वेग आहेत ना खरं तर असेसमेंट घ्यायची 100 वर्षानंतर हे किती वर्ष जगते बघायला कारण 4 वामन झाले ना आपण सगळे जाऊ पण हे असेल मला सांग व्हेरी गुड व्हेरी गुड पित्त येतं पित्त सुरू झालं म्हणलं ना शेवटचे 2 ग्लास द्या और याच एवढं इझी असते बरं का आता कडू कडू लागते ना वमन में ना पहले कफ निकलता है बाद में पित्त निकलता है लास्ट में वायु निकलता है पित्तांत वमन श्रेष्ठ कहते हैं जब पित्त कड़वावट आती है पित्त के लक्षण दिखते हैं तो वहां रुकना चाहिए कभी कभी क्या होता है इसमें रेडीज भी दिखता है कुछ लोगों का अल्सर रहता है तो वो पित्त ही रहता है वो भी ध्यान में रखना ब्लड है बोल के नहीं करना सिर्फ हाँ पिछले साल था इसका ही था ना दूसरे पे एक पेशेंट का था वो सिर्फ ब्लड था वो भी टिंग रेड थी तो उसके बाद इतना वो क्लियर हो गया अच्छा हमने 62 ईयर्स का भी किया था दादी का स्वर के लिए कितना सही बात आंखों के लिए होता है मामा लीवर के लिए होता है मूत्र विकार के लिए होता है विशेषतः प्रमेह विकार के लिए जहाँ क्लेद की सारी बीमारियाँ रहती है लिक्विडिटी की बीमारी रहती है जैसे शरीर में से बार बार यूरिन को जाना पड़ रहा है डायबिटीज जैसे उसमें ये काफ़ी बढ़िया रहता है और ईजी रहता है मामा देखो अगर हम चटाते उसको और लेहन देते तो वो उधर ही रहता है वो ज़्यादा वो स्टिकी है ना तो वो उसका वमन वमन गुण जो है बहुत टाइम तक देखा है हमें कब रुकाना है हमें पता नहीं अभी भी उसका मदन फल का पांड का गुण है इसमें लेकिन ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा इतना इजीली वो दोष बाहर निकलते नहीं तो कॉलेज में क्या होता है हम 40-40 ग्लास पिलाते और फिर भी पित्तान तक नहीं होता तो स्टमक वॉश जैसा हो जाता है क्योंकि वो काढ़ा बनाया नहीं रात भर काढ़ा रखने के फायदे यही रहते कम समय में दोष बाहर निकलते हाँ वो कॉन्ट्राडिक्टरी है देखो पंचतिक्त घृत वमन के लिए देना है तो वो तिक्त रस है तिक्त रस क्या करेगा हम घृतपान देते हैं तो हम क्या करते हैं वो घृत डाइजेस्ट करते हैं वर्धमान पात्र में बढ़ाते हैं और एक ऐसी मात्रा आ जाती है कि शरीर में 24 घंटे तक वो घृत रहेगा वो शोधन की मात्रा हम कहते हैं वर्धमान करके बाद में हम रुका देते हैं तो घृत जीर्ण होना चाहिए बराबर हमेशा जब घृतपान देते हैं तो घृत जीर्ण होना चाहिए तो जीर्ण करने के बाद घृत क्या करेगा स्नेहाक्त शरीर करेगा तो ऐसे समय में महातिक्त घृत देंगे तो वो तिक्त रस क्या करेगा कफ पित्त को कम करेगा हमें क्या अपेक्षा है दोषों का उत्क्लेश करके नजदीक के मार्ग से बाहर निकलना है अगर हम महातिक्त घृत दे रहे तो होगा क्या दोष कम हो जाएंगे तिक्त रस क्या करेगा दोषों को कम ही करेगा ना पित्त कफ को कम करेगा तो वमन के समय महातिक्त घृत देना ये क्या बात है हाँ वमन होने के बाद जब घृतपान हम देते हैं तब बचे हुए शेष दोषों को पाचन करने के लिए हम महातिक्त घृत दे सकते तो ये जब गोक्टेश्वर से हम बात करते तो गोक्टेश्वर गालियां देते थे कि भाई महातिक्त घृत देना ही इनिशियली लिखा कहाँ है वो तो दिखाओ मुझे लिखा कहाँ है हम तो पढ़े तो स्नेहवान के इतने 64 प्रकार आए अलग अलग प्रविचार में आया है अच्छा स्नेह तेल से आया है घृत से आया है वसा से आया है मज्जा से आया है तो वात विकार में तेल से वमन को घृत स्नेहपान दे के वमन क्यों नहीं करते लोग वो एक ही स्टैंडर्ड बना दिया है परंपरा से किसी ने बताया महातिक्त घृत ले लो क्योंकि वो डरते हैं वमन के लिए तो इसीलिए अच्छा स्नेहपान ये सबसे इम्पोर्टेंट और नॉर्मल घृत ही ज़्यादा अच्छा दे क्योंकि दोष बढ़ जाएंगे
अभी ये धूम्रपान करते समय दोष बढ़ते हैं लोगों के, ऐसा लगता है सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। कॉलेज में जब महाधिक ग्रुप देते तो लगता है कि सिम्टम कम हो रहे हैं। हाँ, और पेशेंट बोलता है वमन जाने दो, ये धूम्रपान ही रहने दो। हाँ, दे दोनों लाल दे। तो वही धूम्रपान, तो वो डरते हैं वो। हाँ जी, चलो बात करेंगे बाद में। हेलो, वेरी गुड। दोनों ग्लास के फिनिश। आपण मध्ये पॉज का घेतला? मदन फळ किती शिल्लक आहे बघण्यासाठी। मदन फळाचा प्रभाव आहे शिल्लक, जर मध्येच प्रभाव संपला तर मदन फळ फांट थोडासा ऍड केलं की सुरू होतो। एखाद्या पेशंट मध्ये पाहायला मिळेल आपल्या पुढच्या आठवड्यात। ये दोन ग्लास घे, दोन ग्लास घे, पटकन देते ना। एका ग्लासा नको करू। व्हेरी गुड। हेलो हेलो, टच करना कौन? बिल्कुल बात जाए। दूध आता था ग्लास भी। पिळून वेग येतो वाताचा। काल आपण वाचत होतो ना की दुधानं उसानं पित्त विकारांमध्ये द्यायचं। दोन ग्लास दूध जाऊ दे, एक ग्लास काढा जाऊ दे, फिनिश करून टाका। मग पाणी द्या, लवण जर कफ तर राहिलेलं नाही पित्त सोडून, नंतर दो मपा। दूध घे पटकन, अजून एक दे दूध पटकन। काढा गरम आहे। काढा दे, काढा दे। वेरी गुड। पानी दे, पानी लवण दिल दे थोड़ा। वाटत सुरू झाले त्याच्यामुळे पित्तांतक झाले, आपलं कडूपणा गेला असेल आता थोडा। दिवसभर काही खायचं नाही आज, त्याला माहिती सर, झोपायचं नाही, भूक कडक लागते, चादर खाऊ उशी खाऊ अशी भूक लागते। पहिल्या वेळेस फर्स्ट टाइम होत ना, ओमन झालं गेलो रोबोट, आणि आता काय करणार दिवसभर, तेव्हा मी रील्स किंवा असं बघायचं, तेव्हा ते फूड पदार्थ आहे म्हणजे असं वाटायचं की मी ते कधी खाल्लो नाही आणि आता मला खूप खावडते असं। म्हणून हा अजून एक ऑप्शन, इथून गेला रील्स बघायचे नाही। आता काही वाटत नाही
हो पोरी पण पोरी पण बघू नको रील्स वर शुक्र धातू गडबड करेल आता नाही वाटलं पहिलं ते पहिल्या मोमेंटला झालं विचार सगळे तेच काय खायचं हे खायचं भूकच एवढी लागते की आता उद्या काय खाऊ सर कधी खायला सांगतात आहे ना आणि संध्याकाळपर्यंत असं बारीक असं फुल कोमजल्यासारखं मग तिथून मेन घृतपान सुरू होत आणि दॅट टाइम वी ऍडमिनिस्टर महातिक्त ग्रोथ दाडीमादी ग्रोथ महाकल्याण ग्रोथ शोधन झाल्यानंतर वाजीकरण योग किंवा अगदी दीपन दीप यथा अनुरग्नी ही जो श्लोक बताय वमन के बाद अग्नि जो कम हो जाता है और उसको ऐसे एक एक लकड़ी डाल के बढ़ाना जो है अग्नि तो वहां पे घृतपान ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है तब हम दोषोघ्न घृत दे सकते हैं धातु को बल देने वाले धनवंतर घृत जैसे दे सकते हैं अगर प्रमेय का पेशेंट है तो धनवंतर घृत देंगे ऐसा वहां पे कर सकते हैं अगर पहले ही हम दोषोघ्न घृत देंगे तो उपयोग क्या है हमें तो शमन शोधन करना है ना उत्कलेश करके निकालना है तो तिक्त रस कितना भी कुछ करो वो कफ पित्त को कम ही करेगा ना सिंपल है सो दैट्स व्हाई विचारना यार नॉर्मल घृत ही ज्यादा अच्छा वमन देता है ये शोधन कर्म अपुनर्व चिकित्सा बोली ना ये तो संशोधन ही शुद्धा ने तेषा पुनरुद्भव अब वो कैसा था अब कैसा है थोड़ा थोड़ा पुनरुद्भव होता है लेकिन इतना नहीं होता कैसे है रूम भी इम्पोर्टेंट है निर्वात चाहिए हवा नहीं चाहिए रूम में पंखा नहीं चाहिए वो जैसे विष्णु सहस्त्र नाम लगाया है कुछ स्वस्ति वचन चालू रहने चाहिए पीछे परिचारक अच्छे चाहिए साथ में परिचारक तो है ही नहीं डॉक्टर ही है सब अकेले भी वो मन दे सकते हैं दुखकारक असतात तेच तर ना प्रायव्हेट प्रॅक्टिसमध्ये आपल्याला प्रॉपर करावं लागतं ॲक्युरेट वमन ॲक्युरेसी ॲक्युरेसी इतने साल मी क्यों बोलता हूँ की ॲक्युरेसी से वमन स्टुडंट देखते ही नाही ना हमार हर पेशंट हर साल बोलता है की अगले साल भी वमन करूंगा फिर चौथा है वमन है उसका कॉलेज में बोलते है सर दिस इज लास्ट और जो फीलिंग रहती है वो जो कल परसों के पेशेंट की वो हर रोज स्किन बता रही है मुझे आणि ती छान दिसायली बरं का आता लेकरू एवढं मोठा असून छान दिसायली ती आता म्हणून ज्यांचं परत लग्न असेल नवरा सोडून गेला असेल त्यांनी वमन करायचं जसं वमन आपण पाच वमन झाले की आपले स्टुडंट म्हणतात सर माझं वमन असं सुरू होतं बरं का वाटत ना थोडं थोडं पाण्याची गरज नाही वाटत ना आता वाटतंय का येतोय म्हणून सगळं कफ होत आणि बॉडी मध्ये एव्हरी सेल्युलर पार्टिकल मधून आपल्याला चिकटपणा बाहेर निघून जातो सगळीकडून जवळच्या मार्गाने निघतात अगदी शुक्रगत दोष देखील इथे निकलते बाहेर कर्णगत दोष निकलते रेटिनाइटिस मे इतना सही काम करता है लेकिन हमारे यहाँ डरते लोग वो मंदिर डायबिटिक रेटिनोपैथी में सही काम करता है लिंग नाश में काम करता है रेटिना के सारे विकार में वमन विरेचन आए थे विरेचन तो है ही लेकिन वमन भी काम करता है कफ झालना चाहिए सिर्फ ये हमारे आयुर्वेदिक वैद्य ही डरते हैं कि अरे यार वमन कैसे दे कैसे दे वमन छोड़ के दूंगा मैं ऐसा नहीं जहाँ पे जो जरूरी है वो करना ही है तो काय झालं पुण्यामध्ये वमन चालू असताना एक पेशंट भूस भरून गेली हाँ तू नाही तुला काही
तर ते अजून तेव्हापासून सगळीकडे अशी भीतीची सावट पसरलेली वमन करणे के लिए। वो क्यों होगा क्या होगा पता नहीं। तो उसका जो पति का स्टेटमेंट है कोर्ट का, मैं सुना था, वो बोल रहा है कि अभी बहुत बहुत हो गया, आपने 50-60 ग्लास दिए हैं, अभी वो नहीं कर पाएगी, वो डिहाइड्रेट लग रही है, उसको सहन नहीं होता है, फिर भी चालू था, अरे करो 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 करो, पित्तांत तक आना चाहिए, आना चाहिए। तो वो वमन कम और वो आमाशय धावन ज्यादा चालू था, ऐसा शायद हो सकता है, पता नहीं हमें, या अजीर्ण भी हो सकता है, घृत का अजीर्ण भी हो सकता है। बहुत बड़ा बवाल हुआ था, कार्ड ऑपरेशन करते समय मर गया तो कुछ बवाल नहीं होता। इसीलिए हमारे लोग इतने डरते हैं मरना चाहिए, इसीलिए हमारे प्रोसीजर इतने सही होते हैं, क्योंकि सारे प्रिकॉशन देखते हैं ना डॉक्टर लोग। हमारे यहाँ डेथ रेट ही नहीं है आयुर्वेद में, क्योंकि वो राजाश्रय ना होने के कारण इतने साल ना पेशेंट ना मरना चाहिए मेरा, इसलिए मैं प्रोसीजर करूंगा, बस्ती देते समय, उत्तर बस्ती समय, सब पेशेंट ना मरना चाहिए, इसको वो नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा होता है कैजुअलिटी में, तो कभी ऐसा होता है क्या? हाँ, जिसको सुचरिंग नहीं आते वो पोतो शिवला चार के सुचरिंग करता है, बराबर ना, वो लेना देना नहीं है पेशेंट का, वो सिर्फ सुचरिंग करना है वहाँ पे। ऐसा है बर्न का पेशेंट आता है तो देखा नहीं जाता ना, वहाँ पे प्रोसीजर कुछ फॉलो नहीं की जाती, सिर्फ आईवी देना है या वेन सेक्शन करना है, पेशेंट को ऊपर भेजना है, इमरजेंसी मैनेजमेंट होगी, 10 दिन बाद वो मर गए। बर्न का वार्ड देखिएगा गवर्नमेंट में, वो गड़बड़ ऐसी होती है। तो अगर वहाँ पे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल लगाए थे तो डेथ रेशो आगे वाले बहुत कम होते, लेकिन आयुर्वेद एलोपैथी का कभी जमेगा नहीं, हमारे प्रिंसिपल उनको समझेगा नहीं, उनको हमारे फॉलो करने वाले वैद्य हमारा ही सुनते नहीं। तो कल जमदग्नि सर बोल रहे थे ना लेक्चर में, 100 साल लगेंगे एलोपैथी को घृत तैल वसा मज्जा समझने के लिए, 100 साल लगेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि ये पार्टिकल है, फैट है, लीवर में जाएगा, पीछे वाली अग्नि की कंसेप्ट ही नहीं है। बरे वो मला दुसऱ्याचं वमन बघायचंय पुढच्या आठवड्यात, म्हणजे तो या ठिकाणी मी तिकडे असं असं नक्की। पुढच्या आठवड्यात खूप आहेत वमन आपल्याकडे, आता तर या आठवड्यातले नॉर्मल लोकांचे वमन होते, पुढच्या व्याधीचे वमन होते, मग ऑटिझम सीपी दन 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 सुरू करू। हमारे कॉलेज के लेक्चर को इतना वमन सहन ही नहीं होता, बोलते एवढ्या नाही होते, अरे 40 ग्लास गेले पाहिजे, क्योंकि वो फांट होता है ज्येष्ठ मत का, सुबह ही एक बार दो बार वो गर्म करके लाते, रात भर रखेंगे तो इतने जल्दी होता है, तो सुख वमन होता है। वो फूल का भी वमन करेंगे, क्या करेंगे, कमल का जो है फूल लेके आएंगे, उसमें रात में मदन फल डाल देंगे, उसको बंद कर देंगे, और सुबह घितले की शुरू होता है, एवढं भारी। चलो कंक्लूड करते, धूमपान द्या, त्याची पण गरज नाही, कारण हां तू बर चल, हां जाने सर थे हमारे काची के समान, 50-50 वोमन लेते थे, 50 लोग बैठ के, सेकंड ईयर का स्टूडेंट 2 वोमन हैंडल करता था, इधर भी याला एक ग्लास दे, तला एक ग्लास दे, तला एक ग्लास। तो हर साल मैं खुद कम से कम 60-70 वमन करता था सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में मैंने 150 के ऊपर किए थे सर के यहाँ पे और यहाँ पे, इंटर्नशिप ने तो इंटर्नशिप के साल में 400 वमन हुए थे। देखो इंटर्नशिप का बच्चा करा था, हमारा कॉलेज इतना सही था, आयुर्वेद कॉलेज, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नाम बैठे, बच्चों को पूरी छूट पकड़ो और वमन करो, हमारे पंचकर्म के जो थे अभी नहीं करवाते, वमन ही बंद किए, इतना वमन करवा देते, पकड़ो कफाई कर तुला चल। इतना वमन था, अभी कम किया, क्योंकि वो क्या है कॉलेज का पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह, नए नए जो
टीके सर थे, मैडम थे, देशमुख सर थे, वो बोलते थे यार करो हमारे साथ, वो सिर्फ खड़े रहते थे। असले सर को आते हैं आहे देख काढ़ा दोनों ग्लास देख। Thank you.